सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो दुनिया सारी की सारी कोल्ड वॉर में चल रही थी, लेकिन अब जो है वो पावर का जो बैलेंस है वो चेंज होता नजर आ रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को फतह करेंगे, फिर रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को फतह करेंगे। यही ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ चल रही है, इज वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग और नॉट, सो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं बबल गम। गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है जो इस न्यूज़ से ना वाकिफ हो, दैट इज़ यूक्रेन वर्सेस रशिया वर्ल्ड वॉर 3। क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाकई में स्टार्ट होने वाली है, जिससे जैसे कि हमें डिफरेंट सोशल मीडिया पे पता चल रहा है, वो बेशक ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या यूट्यूब है। तो ट्विटर पे भी एक बात आज के दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, नंबर 1, 2, 3 ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है, यूक्रेन वर्सेस रशिया, यूक्रेन वर्सेस रशिया। तो चल के हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से उनका रिएक्शन जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन चल रहा है, ये इनको कहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाकई होने वाली है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं इमरान खान दौरे पे जा रहे हैं, इमरान खान को वहाँ पे इनवाइट किया गया है, तो इमरान खान की वहाँ पे जाके क्या एजेंडा होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसका जो ख्याल अवाम के माइंड्स में है, तो चल के उनसे पूछते हैं उनका इस पे क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या करते हो? मोहम्मद फवाद एंड ओम चार्टर्ड अकाउंटेंसी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं? ऑब्वियसली सब कर रहे हैं। तो बहुत एक ट्रेंडी न्यूज़ चल रही है और ट्विटर पे भी उसका काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया को ही इस बारे में पता है, यूक्रेन वर्सेस रशिया। सही है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको कहाँ पे जाता नजर आ रहा है, आपका इसमें क्या व्यू, आप मुझे बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। दोनों कंट्रीज के साथ हमारा तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी की भी हेल्प करें, किसी की भी सपोर्ट करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो दुनिया सारी की सारी कोल्ड वॉर में चल रही थी, लेकिन अब जो है वो पावर का जो बैलेंस है वो चेंज होता नजर आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना जो है वो अपकमिंग इकोनॉमिक पावर है, तो जो अमेरिका है वो इसको रोकना चाह रहा है। तो बेसिकली जो रशिया है वो जब 80s के अंदर अफगानिस्तान जब उसने इन्वेड किया था, तो रशिया टूट गया था, यूक्रेन तब उससे ज्यादा हो गया था, लेकिन तब जो रशिया था उसने ये कहा था कि भैया आप नेटो के साथ इतिहार नहीं करोगे। ठीक है, नेटो से पहले रशिया ने अपना इतिहाद किया था, जितनी उसकी रियासतें थी अभी थी। तो अब हुआ इस तरह कि रशिया ये चाह रहा है कि वो नेटो के साथ इतिहाद ना करे, जो यूक्रेन है। तो बेसिकली उनका कन्फ्लिक्ट यही है। तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो रशिया है वो बड़ी पावर बन के उभरे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो मामला है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यही ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ चल रही है, इस वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग और नॉट, सो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू स्टार्ट? मेरे ख्याल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया, उसके बाद जो है वो दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वॉर है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी चीज़ है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया को रोके हुआ है आलमी जंग से। ठीक है, जिस तरह पहले दवाई थी जंगे होती थी, करोड़ों जो बंदे हैं वो मर जाते थे, लेकिन अब इस तरह का कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है जो कि रिजॉल्व हो जाएगा, दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने नहीं वाली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर दुनिया बियर कर ही नहीं सकती। हमें सिर्फ डिफेंड जो है वो करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को, हमारी तरफ से कोई सुपर पावर हो या ना हो, हमें सिर्फ अपने हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, उनकी तरफ अगर कुछ होता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं। सो व्हाट अबाउट दोस जो इन्वेड कर रहा है रशिया यूक्रेन के ऊपर, और सारा कुछ चल रहा है, बॉम्ब्स हो रहे हैं वहाँ पे, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज भी हमें सुनने को मिल गया है, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो रशिया है ना, अमरीका जो है उसके 400 से ज्यादा अड्डे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन रशिया की ये मजबूरी है कि जो रशिया के साथ वाली स्टेट्स है ना, वो वहाँ पे किसी को काबू नहीं करने देना चाहता। तो जो यूक्रेन है वो नेटो के साथ इतिहाद करना चाहता है, अगर यूक्रेन नेटो के साथ इतिहाद कर लेता है तो जो अमरीका है वो बिल्कुल रशिया के सर पे आगे बैठ जाएगा, जो कि रशिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रशिया जो है वो अभी सिर्फ यूक्रेन को दबाव में ले रहा है और उसकी बॉर्डर के साथ है, और वैसे भी अगर हम देखें तो रशिया को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, सारी की सारी जो गैस सप्लाई है रशिया की वो पूरी की पूरी यूरोप को जा रही है। तो अगर रशिया 2 दिन के लिए यूरोप की गैस बंद कर देता है तो यूरोप जो है वो डूब जाएगा। वैसे ये भी सुनने को आ रहा है कि इमरान खान को पहले का ही इन्विटेशन मिला हुआ था, वो गए, अब एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि अब इमरान खान अब वहाँ पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, काफी अर्से पहले उनको 2-3 साल हो गए, उनको इन्वाइट किया गया था वहाँ पे, बट ही डिसाइडेड टू गो नाउ। सो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, और ये राइट डिसीजन है, रॉन्ग है, हमें किसकी साइड पे होना चाहिए, किसकी नहीं होना चाहिए, आपको क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, इमरान खान जितना ऑनेस्ट और सच्चा ईमानदार जो लीडर है वो हमें पहले कभी नहीं मिला। वो बिल्कुल अगर उनको इन अपॉर्चुनिटीज का पता होता या उनको ये पता होता कि मे बी हालात इस तरफ जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं जाते। और ये बहुत पॉसिबल है कि अब वर्ल्ड वार जो 3 है वो स्टार्ट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, इसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें, मैंने जब से
जितनी मेरी एज हो गया जब से मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है लेकिन मैंने कभी एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो वन एंड ओनली सुपर पावर है सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा वीक थी। लेकिन जब से इमरान खान आया मुझे महंगाई वगैरह का नहीं पता, ओवरऑल कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहिए इमरान खान ने उसको वैसे ही प्रेजेंट किया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ी जा रही है। और अगर हम देखें तो मुल्कों के मफादात होते हैं, हमें इवन के मैं आपको ये भी बताऊंगा, यूक्रेन बेशक मुस्लिम मुल्क है लेकिन मुल्कों के मफादात होते हैं, तो हमारी किसी बंदे से दोस्ती नहीं है, हमारे अपने मफाद हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हम रशिया अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को फतह करेंगे, फिर रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को फतह करेंगे, बात ऐसी कोई नहीं होगी, फतह हमने खुद ही किया है। लेकिन अब फिलहाल तो हमने यही बताया हुआ कि रशिया के साथ है, तो हो सकता है रशिया के साथ हो। हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे मफादात फिलहाल चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर होता तो मैं ये कहता कि यार ये जो इमरान खान ने दौरा किया ये गलत है, लेकिन अभी इस रीजन के अंदर से अमरीका निकल चुका है तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान का रशिया का दौरा है वो ऑन द टाइम है और बिल्कुल ठीक है। और वो जो है जो इमरान खान है वो मतलब और तरह का लीडर है, वो लीडर है जो कि हम लोग डिजर्व करते हैं, हमारी नेशन डिजर्व करती है, तो उसने अगर कोई स्टांस कोई एक्शन लिया होगा तो वो बिल्कुल हमारे मुल्क के मफाद में होगा इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने रिएक्शंस देख लिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मिले हैं, और मुझे अब आप लोग बताएं जो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे स्ट्रीम पे देख रहे हैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका स्पेसिफिकली यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका उस पर क्या रिएक्शन है, प्लस इमरान खान जो इस टूर पर जा रहे हैं उनको इन्वाइट किया गया है, तो ये चीज़ आपको आगे फ्यूचर में कहाँ पर जाती नज़र आ रही है इस चीज़ का, पाकिस्तान के रिलेशंस का, इस स्पेसिफिक वर्ल्ड वॉर 3 जो अल्लाह ना करे स्टार्ट हो इस पे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन हो सकता है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर सकता है, तो आप मुझे अपना व्यू बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।